महिंद्रा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद महिंद्रा एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले एक व्यक्ति ने महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने यह आरोप लगाया कि कंपनी ने बिना एयरबैग लगी हुई गाड़ी बेच दी, जिससे उनके बेटे की मौत हो गई। कानपुर के जूही निवासी राजेश मिश्रा ने थाने में लिखाई गई एफआईआर में यह बताया कि साल 2020 में ऑटो एजेंसी से 17 लाख रुपए की कार खरीदी थी। 14 जनवरी 2022 को उनका बेटा अपूर्व मिश्रा अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर आ रहा था, तभी उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के बाद वो एजेंसी जाकर लोगों को इस बारे में अवगत कराया और बताया कि सीट बेल्ट लगाने के बावजूद कार के एयरबैग नहीं खुले, जिस कारण उनके बेटे की मौत हो गई। एजेंसी के मैनेजर ने राजेश की बात कंपनी के निदेशकों से कराई। राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान एजेंसी के मैनेजर और स्टाफ ने उनसे काफी अभद्रता की है। राजेश ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने कार की टेक्निकल जांच कराई, जिसमें उन्हें कार में एयरबैग न होने की जानकारी मिली है। राजेश ने मामले की शिकायत रायपुरवा थाने में की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद आज राजेश ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।